हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल रेट ई चैप्टर टेन पार्ट टू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी नेक्स्ट टाइम उसका बाद दूसरा टाइम हमने कबड्डी खेले ओके फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स इसमें क्या ना सबसे ज़्यादा इंटेंशन है अपना लेग ऊपर होता है पैर ऊपर है आर एंड आइस लेग आर एंड आइस ये तीनों ऊपर फोकस होता है वो विल नोटिस नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइस लेग एंड आर आइस लेग एंड आर का वो तीनों का बीच में कोऑर्डिनेशन होता है उसमें ध्यान रहता है कबड्डी खेल में मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो जैसे कबड्डी खेल में कोई जाएगा कोई आएगा ऐसे के इंटायर टीम को देखना पड़ता है कबड्डी खेल ऐसे उसको बना के दिखाओ बोले तो आपको फोन आएगा तो आप बना के दिखा सकते हैं फार डज इट मेन बी टू कॉट ए गेम्स वेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी एक कबड्डी अगर कोई गेम में आउट हो जाता है कब तो उसको बाहर निकाला जाता है फिर कोई नेक्स्ट जाता है ऐसे करा जाता है देखो क्या दिया है क्वेश्चन में टू बी आउट इन ए गेम मीन्स एक गेम से आउट हो गया उसका से दैट आउट प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू कोई आउट हुआ मैं इस गेम में उसको बाहर निकाल दिया जाता है उसको और कंटिन्यू नहीं किया जाता है टू प्ले ऑन द गेम फॉर द लाइन बिंग देर आर थ्री वेस टू गेट आउट इन कबड्डी वन हैला इफ ही स्टप्ड बाय द पोजिशन प्लेयर्स वाइल ऑन हिज मूव नंबर बी हुआ बी में इधर मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया ज्यादा नहीं तो नंबर बी हुआ इफ द टचेस ऑपोजिशन प्लेयर्स एंड द अपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम नंबर थ्री इफ ही लसेस आंसर ओके नेक्स्ट देखो इन सम गेम इज़ वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर कुछ कुछ सम गेम में इंपॉर्टेंट हो जाए प्लेयर को टच करना पड़ता है कबड्डी में प्लेयर को टच करके आपको भाग के आना पड़ता है ओके फॉर एग्जाम्पल इन ए गेम खो 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 भी भाग के जाके प्लेयर को चेंज टच करना पड़ता है गेट आउट वेन समान टचेस यू एक दूसरे को अगर, अगर टच करेंगे तो वह आउट हो जाता है ल्सो गेट योर टर्न बाई सम वंस टच नेम सम गेम्स इन विच इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू टच द्लेयर उसने बोला क्वेश्चन गेम का नाम लिखो जो कि टच करना इंपोर्टेंट होता है उसमें तो वो होता है आर्म रेसलिंग एक दूसरे को पकड़ते हैं हाइड एंड सिक छुप छुपन खेलते हैं तो उसको टच करना पड़ता है पकड़ पकड़ पकड़ाई उसको भी टच करना पड़ता है नेक्स्ट है इन कबड्डी कबड्डी में द सेंटर द एंटायर टीम वॉच आउट अगर एंटायर टीम आउट है बिकॉज श्यामला हैड टच्ड द लाइन व्हाट आर सम अदर गेम इन व्च दें एंटायर सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कबड्डी में अगर कोई सेंट्रल लाइन को आके टच कर दिया तो और बाकी जो उसको पकड़ेंगे वो सब आउट हो जाता है उसने जा क्या उसने पूछा जाए क्या दूसरा कोई गेम है जो कि सेंट्रल लाइन उसे काम आता है इंपॉर्टेंट होता है हाँ होता है क्रिकेट फुटबॉल हॉकी वो भी सेंट्रल लाइन होता है फुटबॉल होता है सेंटर में हॉकी भी सेंटर होता है बल फेंकते क्रिकेट में सेंटर होता है मेन जो पिच में बॉल छोड़ते ऐसा एक दूर से भागते रहते व्हाट आर द गेम इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच समथिंग और कलर्स वो होता है कौन सा गेम है जो कि बिसाइड में द तो साइड में उसका प्लेयर यू वे टच समथिंग और कलर समथिंग को टच करना पड़ता है वो कलर कलर्स व्हिच कलर ऐसा एक गेम है दूसरा खो खो है उसको टच करना पड़ता है ओके डू यू प्ले कबड्डी क्या आपने कबड्डी खेले उसने पूछा इज देर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल क्या आपका स्कूल में गर्ल्स का कबड्डी टीम है डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी वेन दे वेयर योर एज स्क दें उनको पूछो क्या अपने ग्रैंड मदर को पूछा करो जो क्या ग्रैंड बर्न ने उनका टाइम वो कबड्डी खेल रहे थे तो ग्रैंड मदर खेल रहे थे कि आप अपना ग्रैंड मदर को पूछना क्या उनका टाइम वो खेल रहे थे ओके डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम इफ देर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन वाट आर रीजन फॉर देम नॉट प्लेइंग डिस्कस अब ये डिस्कस कर अगर तुम्हारे एरिया में कोई गर्ल क्या कबड्डी खेलता है अगर नहीं खेलता है तो क्यों नहीं खेलता है ये कोई रीजन है ना तक कबड्डी खेल तो खेलेंगे तो आउटडोर गेम एक गर्ल्स खेलेंगे आजकल तो ज़्यादा से खेल रहे अगर नहीं खेल रहा है तो इसी लिए गर्ल्स होते गिरेंगे चोट लगेगा ये वो ये इस, सब इसके लिए और बॉयज़ का ड्रेस पहनना पड़ेगा खेलने के लिए इसके लिए वो लोग कुछ कुछ गर्ल्स खेलते नहीं और वाला दादी जी का टाइम पर उस टाइम पर तो शायद कोई खेलते नहीं होंगे क्योंकि गर्ल्स लोग को एलाई नहीं होता था पहले आजकल तो सब खेल रहे लेकिन पहले एलाउ नहीं था इसीलिए ज़्यादा लोग खेलते नहीं ओके आई होप ज़्यादा लोग नहीं खेलते होंगे उस टाइम पर ओके और अंडरस्टैंड यू और जो जो क्वेश्चन आंसर करा गया उसको अच्छी लर्न करो नोटबुक में लिखो बुक में लिखो एंड आई विल बी मीट नेक्स्ट वीडियो